नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। प्रदेश में कई स्टेशनों से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का इस दिन से होगा संचालन। अधिक गर्मी के कारण बिजली की खपत में हुई बढ़ोतरी। अपराधियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए बिहार पुलिस ने शुरू की पहल। सरकारी स्कूल की कमियों को दूर करने के लिए हेडमास्टर को मिले सख्त निर्देश। चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल पर लगाई लंबी छलांग। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश में कई स्टेशनों से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का इस दिन से होगा संचालन। यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए प्रदेश में कई शहरों से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का संचालन होगा। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का ये संचालन पूर्व मध्य रेल के सोनपुर डिवीजन के मुजफ्फरपुर समेत 11 स्टेशनों से देखने को मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के संचालन के लिए हरी झंडी भी दिखा दी है, जिसके तहत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजनों से ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि इन ट्रेनों का संचालन जून के महीने में शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि जनशताब्दी एक्सप्रेस और श्रमिक एक्सप्रेस अमृत भारत ट्रेनों में कन्वर्ट होंगे। आपकी यात्रा का पसंदीदा माध्यम क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अधिक गर्मी के कारण बिजली की खपत में हुई बढ़ोतरी। प्रदेश में अधिक गर्मी के कारण बिजली की खपत भी काफ़ी अधिक हो गई है। 500 मेगावाट बिजली पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा खपत हो रही है। इस गर्मी हर रोज लगभग 6700 से 6800 मेगावाट बिजली की खपत देखने को मिल रही है। पहले शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली की खपत अधिक होती थी, यानी ये पिक आवर हुआ करता था, लेकिन अब ये समय बढ़ गया है और रात के 2 बजे तक चला गया है। कंपनी के एक वरीय अधिकारी ने बताया है कि राज्य में भरपूर बिजली की आपूर्ति हो रही है। केंद्रीय सेक्टर से कम बिजली मिलने पर बाजार से बिजली की खरीदारी की आपूर्ति की जा रही है। अपराधियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए बिहार पुलिस ने शुरू की है पहल। बिहार में अपराधियों और इसे अंजाम देने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इन अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम यानी नाफिस की मदद ले रही है, क्योंकि कई मामले की छानबीन के लिए ट्रेडिशनल तरीके से ज़्यादा तकनीकी तरीका काम आ रहा है। किसी भी मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों या अपराधियों के फिंगरप्रिंट को नाफिस ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही इनसे जुड़े सभी ब्यौरे को भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि दोबारा पकड़े जाने पर ये अपराधी अपने पुराने अपराध को छिपा ना सके। आपको बता दें कि अपराधियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए शुरू हुई इस पहल को रेल जिला मुजफ्फरपुर ने शुरू भी कर दिया है। कई जगहों पर आज का रात रह सकता है काफ़ी गर्म। बिहार में आज कई जगहों पर लू वाली हवा देखने को मिली है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा आज प्रदेश में कई जगहों पर रात का समय काफ़ी गर्म रह सकता है। प्रदेश में कई जगहों पर उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। हवा का ये रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ ही देखने को मिल रहा है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, साथ ही रात भी काफ़ी गर्म देखने को मिल रही है। गर्मी अधिक होने के कारण लोगों को घर में भी राहत नहीं मिल रही है। इन 3 सीटों पर BSP बिगाड़ सकती है NDA और इंडिया गठबंधन का समीकरण। बिहार में अब तक का मुकाबला इंडिया गठबंधन और NDA के बीच देखने को मिल रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एंट्री के बाद कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां इन दोनों ही गठबंधन के समीकरण पर असर पड़ सकता है। बसपा की स्थिति प्रदेश में मजबूती के साथ तो नहीं है, लेकिन सासाराम, झंझारपुर और जहानाबाद, इन तीनों ही सीट पर बसपा इंडिया गठबंधन और NDA की मुसीबत खड़ी कर सकता है। बात करें झंझारपुर की, तो यहां से बसपा ने गुलाब यादव को टिकट दिया है। गुलाब यादव की झंझारपुर और मधुबनी से राजनीतिक पकड़ मजबूत देखने को मिलती है। इनकी बेटी बिंदु भी जिला परिषद हैं और इनकी पत्नी अंबिका की भी बिहार विधान परिषद के चुनाव में निर्दलीय जीत हुई थी। बात करें जहानाबाद की, तो यहाँ से अरुण कुमार को बसपा ने टिकट दिया है। ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं सासाराम से संतोष कुमार को बसपा से टिकट मिला है। सासाराम में भी जातिगत समीकरण के आधार पर BSP मजबूत देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 65% कार्य हैं अपूर्ण। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 37,701 में 13,482 आवास का निर्माण ही पूरा हुआ है, यानी अभी भी 65% कार्य पूरे नहीं हुए हैं। वहीं 578 आवास ऐसे हैं जो लाभुकों में आवंटित नहीं हुए हैं। बता दें कि वर्ष 2023-24 में कुल 37,701 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत सिवान में केवल 38 आवास का निर्माण किया जाना है, जो सबसे कम है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य बीच में बढ़ाया गया था, इसी वजह से वर्तमान की स्थिति ऐसी है। इसे जल्दी पूरा करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली किस्त के लिए 34,000 लाभुकों को वेरीफाइड किया गया है, जबकि प्रदेश में कुल 34,776 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि आवंटित करने के लिए वेरीफाइड किया गया है।
वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की मांग करते हुए गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने लोगों की संपत्ति हड़पी और जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी इस देश का इतिहास नहीं जानते हैं। राहुल गांधी को मुगलों का नाम लेने में शर्म आती है और मुगलों को आक्रांत कहने में शर्म आती है। मुगलों ने जमीन हड़पने का काम किया और आजादी के बाद नेहरू ने वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने की पूरी आजादी दे दी। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए सीमावर्ती इलाकों में बिहार पुलिस की बड़ी पहल। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कई बार शराब तस्करी के मामले सामने आते हैं, जहां सीमावर्ती इलाकों में अवैध तरीके से शराब को बिहार में लाया जाता है। इन्हीं मामलों को देखते हुए शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी शुरू हो चुकी है। दरअसल ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की जाती है। पहले जानकारी एकत्र किया जाता है कि अवैध शराब की खेप कहाँ कहाँ छिपा कर रखी गई है। उसके बाद राज्य के पुलिस महकमा के साथ संयुक्त टीम तैयार की जाती है। फिर उत्पाद विभाग की टीम उस जगह पर छापेमारी करती है। बता दें कि शराब तस्करों को टारगेट करते हुए पहली बार इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई की टीम की भी बड़ी भूमिका रही है। बता दें कि इस कार्रवाई के तहत यूपी में 312, झारखंड में 168 और पश्चिम बंगाल में 199 जगहों पर छापेमारी हुई है। रोहिणी आचार्य ने सारण से नामांकन दाखिल करते ही सत्ता पक्ष पर बोला हमला। राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने आज सारण लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पिता लालू यादव और भी राजद के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद रोहिणी ने लालू यादव के साथ मिलकर जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें कि सारण मुख्यालय छपरा में रोहिणी कई दिनों से चुनावी कैंपेन चला रही हैं। रोहिणी आचार्य की जनसभा के दौरान लालू यादव और रोहिणी आचार्य के अलावे कई बड़े नेताओं ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला, साथ ही रोहिणी आचार्य के समर्थन में वोट देने की अपील की। बता दें कि सीट से रोहिणी आचार्य का सीधा मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से होने वाला है। सरकारी स्कूल की कमियों को दूर करने के लिए हेडमास्टर को मिले सख्त निर्देश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई से लेकर स्कूल की साफ सफाई और अन्य कई चीजों पर शिक्षा विभाग अपनी नजर बनाए हुए है। इन दिनों कई स्कूलों की जांच भी चल रही है। साथ ही स्कूल के हेडमास्टरों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर स्कूल में जो भी कमियां हैं उसे पूरा किया जाए। यदि स्कूल के हेडमास्टर ऐसा नहीं करते हैं तो राशि गबन के आरोप में उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। हेडमास्टरों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में पाई गई कमियों को दूर करते हुए पहले के फोटो और सुधार कार्य के बाद के फोटो को जिला कार्यालय को भेजना है। यदि हेडमास्टर इसमें सुधार नहीं करवाते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधान परिषद के सभापति और एनडीए प्रत्याशी ने इंडिया गठबंधन पर लगाया आरोप। बिहार विधान परिषद के सभापति और सीतामढ़ी से एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा जाने के बाद सीतामढ़ी जिले को देश के पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी झूठी खबर फैलाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दिनों इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कई झूठी खबरों और तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है और कभी आगे नहीं करूंगा। सरकारी व्यवस्था के तहत गेहूं की कम बिक्री को देखते हुए पैक्सों को मिले ये निर्देश। बिहार में सरकारी व्यवस्था के तहत पैक्सों में गेहूं की बिक्री काफ़ी कम है। अब तक 27 जिलों में गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। बाकी के अन्य 11 जिलों में नाम मात्र ही गेहूं की बिक्री देखने को मिली है। बता दें कि खुले बाजारों में अधिक मुनाफा होता देख किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूँ बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पैक्सों को कहा गया है कि यदि वे गेहूँ की अधिप्राप्ति में दिलचस्पी नहीं दिखाते तो उन्हें इस कार्य से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रखंड स्तर पर भी विभाग ने अधिकारियों को गेहूं की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हीरा मंडी का तीसरा गाना हुआ रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा समेत कई एक्ट्रेस गाने में आई नजर। कई प्रसिद्ध फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अभी हीरा मंडी द डायमंड बाजार पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा समेत कई और एक्ट्रेस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हीरा मंडी सीरीज का एक गाना आज़ादी आज रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को संजय लीला भंसाली ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस गाने में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला और संजीदा खान समेत और भी कई कलाकार नजर आ रहे हैं। इसमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी की मांग की जा रही है। ये गाना 2:39 का है। आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल पर लगाई लंबी छलांग। कल के आईपीएल मैच में 78 रन के बड़े अंतर से चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा पहले बल्लेबाजी की गई थी, जिसमें उसने 20 ओवर में से 3 विकेट पर 212 रन बनाए, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद 18.5 ओवर में 134 रन पर ऑल आउट हो गए। इस बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई सुपर किंग्स ने लंबी छलांग लगाई है और तीसरे नंबर पर आ पहुंची है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें टीम ने 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं। जानिए बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज के पेट्रोल डीजल के दाम जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि रेट जारी होने के बाद पता चला है कि दोनों के ही रेट में लगभग 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बात करें पटना की, तो यहां पेट्रोल 105.18 रुपये और डीजल 92.04 रुपये है। वहीं गया में पेट्रोल 106.29 रुपये और डीजल 93.08 रुपये है। दरभंगा में पेट्रोल 105.76 रुपये और डीजल 92.57 रुपये है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 105.99 रुपये, तो वहीं डीजल 92.78 रुपये है। भागलपुर में पेट्रोल 105.92 रुपये और डीजल 92.72 रुपये है। किशनगंज में पेट्रोल 107.54 रुपये और डीजल 92.24 रुपये है। मधुबनी में पेट्रोल की कीमत 106.64 रुपये है, तो वहीं डीजल 93.39 रुपये है। भोजपुर में पेट्रोल 106.22 रुपये है, तो वहीं डीजल 93.01 रुपये है। समस्तीपुर में पेट्रोल 105.39 रुपये है, तो वहीं डीजल 92.22 रुपये है। सिवान में पेट्रोल 106.31 रुपये है, तो वहीं डीजल 93.10 रुपये है। पूर्णिया में पेट्रोल 106.76 रुपये है, तो वहीं डीजल 93.51 रुपये है। वैशाली में पेट्रोल की कीमत 105.25 रुपये है, तो वहीं डीजल 92.11 रुपये है। औरंगाबाद में पेट्रोल 106.29 रुपये है, तो वहीं डीजल 93.08 रुपये है। बांका में पेट्रोल 106.08 रुपये है, तो वहीं डीजल 92.86 रुपये है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है नंद कुमार सिंह, सचिन यादव, अमन कुमार, राजा राम सिंह, गुनर शर्मा, प्रमोद कुमार सिंह, महेंद्र मेहता, मोहम्मद साकिर हुसैन, रमन कुमार, राहुल यादव वंशी, रंजीत मिश्रा, मिथिलेश कुमार, ललित यादव, सादुल्ला पालवी, सुशील कुमार मोदी, नौशाद रजा, मुटु रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूल में आपको क्या कमी नजर आती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।